हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं बिहार को डेवलप बनाने के लिए 10 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिसके 5 पॉइंट के बारे में मैंने अपने इस वीडियो में बताया है। और ये उसी वीडियो का पार्ट टू है जिसमें और 5 पॉइंट बताऊंगा। तो अगर आपने पहले वाले इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो का 5 पॉइंट देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो छठा नंबर पॉइंट है इंडस्ट्री। दोस्तों, किसी भी राज्य में बड़े लेवल पे रोजगार उत्पन्न करने के लिए, जिसमें हर एक वर्ग के लोगों को काम मिल सके, इंजीनियर से लेकर अनपढ़ तक के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन बिहार में बहुत से कारणों से इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जो कारण है बिहार का क्राइम वाला छवि। इसके अलावा नजदीक में समुद्र नहीं होना और सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है, जिसके कारण से कोई भी अपने जमीन को आसानी से इंडस्ट्री वाले को नहीं देना चाहता है। लेकिन अब गवर्नमेंट इन सभी चीजों में सुधार करके उद्योग को बढ़ाने में लगी है। इसमें सरकार को करना ये चाहिए कि दक्षिण बिहार के क्षेत्र में जो सूखा प्रभावित रहता है, उसमें बड़े इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। और स्पेशली इन नॉर्थ बिहार, बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के साथ साथ छोटे छोटे एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इधर का जमीन बहुत ही उपजाऊ है, बहुत से किस्मों का फसल यहाँ पर होता है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ अच्छे से रन कर सकती है। सातवां पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को बिहार में बढ़ावा देना होगा, और बढ़ावा देने से पहले यहाँ के युवाओं को इसके बारे में बताना होगा, उसे समझाना होगा उद्यमिता होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और इसका फ्यूचर कैसा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस राज्य में नौकरी और बिजनेस में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है, जहाँ पर ज्यादातर लोग नौकरी ही करना चाहते हैं, तो नौकरी की संख्या बढ़ाना हो या फिर बिजनेस को प्रमोट करना हो, दोनों ही उद्यमिता से ही संभव हो सकता है। इसी को देखते हुए आज भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको प्रमोट करने से बिहार की लोकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, साथ ही में कई बड़ी बड़ी कंपनी भी बन सकती है यहाँ से, जिसके लिए गवर्नमेंट को विदाउट एनी हरासमेंट और करप्शन उद्यमियों को पैसा के साथ साथ बाकी की सुविधाओं में मदद करनी होगी। नंबर आठ है टूरिज्म। भारत के हर एक राज्य के जैसा यहाँ भी अनेक टूरिज्म प्लेसेस हैं और टूरिज्म सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं, चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो या फिर नॉर्मल टूरिज्म। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक बिहार गवर्नमेंट और यहाँ की जनता इसे कैश अर्न नहीं कर पा रही, उल्टा और उसे नष्ट करने में लगी रही है। आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, दक्षिण बिहार की ढेर सारी वाटरफॉल, कैमूर की पहाड़ियाँ, रोहतास का किला, मधुबनी जिले के राजनगर का राज पैलेस, जो देखते ही देखते खंडर में तब्दील हो गया और होते ही जा रहा है। ऐसी कई सारी प्लेसेस है बिहार में, और जो सुरक्षित है उसे भी कुछ ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसी के स्थान पे ये कोई दूसरा राज्य रहता तो इसे मेंटेन करके टूरिज्म हब बना के लाखों रुपए कमाता, और अगर ऐसा कोई प्लेस नहीं रहता टूरिज्म का तो वहाँ पर बना दिया जाता। लेकिन देर सही अब बिहार के लोग भी अपने एरिया के प्लेसेस को सोशल मीडिया से लेकर हर एक जगह प्रमोट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इस क्षेत्र में अब तेजी से काम कर रही है। जैसे मिथिला हाट इसका शानदार एग्जाम्पल है, जहां आपको मॉडर्न फैसिलिटी, फूड, अलग अलग ओकेजन का सेलिब्रेशन से लेके यहां के लोकल कल्चर को एक ही में मिला के प्रमोट किया जा रहा है, जो काफी सक्सेसफुल भी रहा। इसके अलावा सिमरिया घाट को भी अब डेवलप किया जा रहा है, और गया राजगीर जैसे प्लेसेस को प्रमोट करके अब यहां भी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। नौवां पॉइंट है खेल सेक्टर। आप में से सभी को पता ही होगा कि आज के समय में खेल का उद्योग कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और आगे जाके और भी बढ़ेगा, स्पेशली क्रिकेट जैसे खेल में। इसके बिजनेस मार्केट को देखते हुए बहुत से राज्य में खेल से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। इसका फायदा ये है कि अगर कोई खेल से रिलेटेड कोई सामान बनाता है, एग्जाम्पल में अगर कोई बैट बना ले तो अच्छा बनाया, सही से सेल कर पाया तो ब्रांड भी बन सकता है, और अगर ब्रांड नहीं भी बना फिर भी लोकल में तो ही जाएगा। और अगर किसी को कोई काम इससे रिलेटेड नहीं आता है तो उसे स्किल की ट्रेनिंग गवर्नमेंट को देनी चाहिए, और यहाँ के लोगों को भी बिहार और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठा करके अपना खेल से रिलेटेड बिजनेस शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही गवर्नमेंट को खेल से रिलेटेड सेक्टर को अच्छे से सलाह लेके प्रमोट करना चाहिए। बिहार में भी स्टेडियम बनाना चाहिए। फिलहाल एक स्टेडियम नालंदा जिले के राजगीर में तो बनाया जा रहा है, लेकिन कब तक तैयार होगा यहाँ ये कहा नहीं जा सकता। इसके बन जाने से और खेल को बढ़ावा देने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे रोजगार उत्पन्न होंगे, और जो पहले से रोजगार है उसे भी बढ़ावा मिलेगा। नंबर 10 है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में देख ही लिया होगा कि लगातार कितना सारा पुल बिहार में गिर रहा है। इससे आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती का पता लगा सकते हैं।
बेशक बिहार में पहले के कंपेयर ज्यादा रोड ब्रिजेज बन रही है, लेकिन उसके क्वालिटी पे भी फोकस करना होगा, नहीं तो पैसा के साथ साथ जान माल की भी हानि होती ही रहेगी। गवर्नमेंट को अच्छे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट और कई सारी शर्तों के साथ देनी होगी। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाना होगा और हर एक जिला कस्बा को बड़े बड़े शहरों से राजधानी से जोड़ना होगा। शहरों में जाम से मुक्ति के लिए फ्लाईओवर रिंग रोड बनाना होगा, जिससे समय के साथ साथ वाहनों का तेल भी बचाया जा सके और प्रदूषण भी कम हो सके। जिसके लिए अब बिहार गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो लिया है, जिसके तहत कई सारे जिलों में रिंग रोड फ्लाईओवर के साथ साथ मेट्रो प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की कोई भी प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अच्छे से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि मजबूती से काम हो सके और टाइमलाइन के अंदर काम कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों, आज आपने जाना बिहार के प्रॉब्लम सॉल्यूशन से रिलेटेड 10 ऐसी बातें जो बिहार को जल्दी से आगे बढ़ने में बहुत ही मदद करेगी, जिससे पैसा, समय, लोगों की जिंदगी सभी को बचाया जा सकेगा। यहाँ के लोगों को अपने ही राज्य में इज्जत से काम मिलेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपका भी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पहले पार्ट के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।